We are going to study about sound in this lesson. What we are going to see in this chapter is introduction, like what is sound, production of sound, ध्वनि कैसे पैदा होता है, propagation of sound, ध्वनि कैसे चलता है, sound waves are longitudinal waves, ध्वनि जो है longitudinal waves है, sound waves का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड किसी चीज से टकराता है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, रेंज ऑफ हियरिंग, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, उन लोगों का रेंज कैसे कैसे वेरी करता है, और ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मानव कान के बारे में उसका स्ट्रक्चर और उसका काम, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स कि इसका एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स क्या क्या हैं, है ना। सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज साउंड, साउंड है क्या। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन, रेडियो, इटीसी। हम लोग रोजाना देखते हैं कि आदमी जो है वो लोग बोल रहे हैं, बेल जो है स्कूल का घंटी बज रहा है, और बहुत सारे म्यूजिक सुनाई देता है जिससे हमें साउंड अपने कानों तक पहुंचता है। तो हम लोग ये देखेंगे, जानेंगे कि साउंड आखिरकार है क्या। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ear. Sound जो क्या है? Energy का एक रूप है जो एक sensation पैदा करता है जब यह हमारे कानों तक पहुंचता है। ये केवल sound ही एक energy का रूप नहीं है। There are also other forms of energy like mechanical energy, heat energy, light energy, etc. है ना। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर्स, और हम लोग इस समय देखेंगे कि साउंड किस तरह का एनर्जी है, राइट। सो आखिरकार एनर्जी होता क्या है? एनर्जी इज ए एबिलिटी टू डू वर्क, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। एनर्जी को ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं और न ही उसको खत्म कर सकते हैं। इट्स ओनली कैन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यही क्या कहलाता था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी कैन जस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, राइट। सो हम लोगों ने अभी देखा कि साउंड आखिर है क्या। साउंड क्या था? साउंड एक एनर्जी का रूप है जिसका जो हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें कुछ सुनाई देता है, है ना। तब हम लोग देखेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड जो है उत्पन्न कैसे होता है, साउंड की उत्पत्ति कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, साउंड जो क्या है कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से, है ना। द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ए मीडियम, जो जिस मैटर से कोई साउंड है वो प्रोड्यूस होता है और ट्रांसमिट होता है वो क्या कहलाता है, एक मीडियम कहलाता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि साउंड का जो है उत्पत्ति कैसे हो रहा है। like, अगर मान लीजिए कि किसी टेबल पे गिटार रखा हुआ है तो क्या वह खुद बजना शुरू कर देता है? नहीं। या कोई व्यक्ति बोल रहा है तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? We can produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing or shaking different objects, है ना। हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में रब करके, स्क्रैच करके और ब्लो करके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। Sound is produced by vibration of object.
ऑब्जेक्ट्स। साउंड जो है कैसे पैदा होगा, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपको साउंड उत्पन्न करना है तो आपको वाइब्रेशन उत्पन्न करना पड़ेगा। लाइक वाइब्रेशन क्या है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन क्या है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। लाइक हम लोग लास्ट वाले फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है और इससे आपका जो क्या हो रहा है, साउंड जो है मूव कर रहा है। We will discuss about this in the next chapter कि कैसे ये आपका next slide कि कैसे ये आपका propagate करता है, sound कैसे propagate करता है। अभी तक हम लोग ने देख लिया कि भाई ये sound कैसे पैदा हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि sound कैसे propagate करता है। Sound, how sound does travel? साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। लाइक इफ कोई दो पर्सन है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनका ध्वनि किसी दूसरे पर्सन को कैसे सुनाई देता है। ये कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, एक बच्चा है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है और दूसरा उसे कान लगा कर एक पाइप से सुन रहा है, तो ये किस तरह का क्या काम कर रहा है, ये एक मीडियम जैसा काम कर रहा है ना। तो साउंड को हमेशा ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड, जिसके थ्रू साउंड जो है ट्रांसमिट होगा। और ये मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम कैन बी सोलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अब साउंड प्रोड्यूस हो गया, साउंड को मीडियम मिल गया, तो अब साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाएगा, है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और एक प्लेस ऐसा है ह्यूमन ईयर जहां पे आपको साउंड सुनाई देगा, तो क्या होता है कि एक वाइब्रेशन पैदा होगा। वाइब्रेशन पैदा होगा और वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, है ना। एक पहला वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है दूसरे अपने बगल वाले ऑब्जेक्ट्स को धक्का दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है अपने तीसरे वाले ऑब्जेक्ट्स को धक्का दे रहा है, ऐसे करते 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 ये ह्यूमन ईयर तक पहुंच रहा है, राइट। बट हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि पार्टिकल इज नॉट मूविंग, पार्टिकल जो है मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने स्थान पर ऑक्सीलेट कर रहा है। और व्हाट इज मूविंग, मूव क्या कर रहा है आपका, वेव मूव कर रहा है ना। वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह पे धीरे 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 ये ह्यूमन ईयर तक पहुंचते जा रहा है। सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। तो क्या मूव करता है, अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव नहीं करते हैं तो क्या मूव करता है, डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसमें वाइब्रेशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, जो वेव पैदा हुआ, वो जो है पार्टिकल्स के थ्रू मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि साउंड का दो प्रॉपर्टीज है, क्या, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ऑफ साउंड वेव्स। अब ये कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ऑफ साउंड वेव क्या होता है, लाइक हम लोगों ने देखा कि एक प्रोड्यूसर है, साउंड का प्रोड्यूसर है, दूसरा क्या है, एक लिसनर है, और साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल कर रहा है वेव के थ्रू, जैसे जैसे वेव जा रहा है वैसे वैसे साउंड भी ट्रेवल कर रहा है। उसके जो पार्टिकल है एक ही जगह पे स्टैटिक है और एक जगह पे वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, एक कंप्रेशन रीजन बन रहा है और एक रेयरफैक्शन रीजन बन रहा है। वो कैसे, लाइक इफ ये अगर फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, साउंड जो है अगर आगे बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन रीजन हो रहा है। अगर ये पीछे जा रहा है, अगर बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है इसका वेव, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयरफैक्शन रीजन हो रहा है। तो कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पे हाई प्रेशर है और हाई डेंसिटी है, एंड द रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड
लो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और जहां पे रेयरफेक्शन होगा वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और ये हमेशा बनते रहेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा ये पार्टिकल्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है जरा सा तो ये कंप्रेशन रीजन बना रहा होगा, और अगर बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो ये रेयरफेक्शन रीजन बना रहा होगा। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द साउंड, लाइक व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, और ये ट्रेवल कर कैसे करता है। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। आपको अगर किसी वाइब्रेटिंग मीडियम से साउंड प्रोड्यूस होता है तो वह आपके कानों तक कैसे पहुंच रहा है। सो यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट फोर्सेस द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। जैसा हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, तो यह अपने बगल वाले पार्टिकल में क्या करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। यहाँ पे अगर साउंड डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन हो रहा है तो यह अपने बगल वाले पार्टिकल्स को में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और फिर यह क्या करेगा, अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, राइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट फोर्सेस द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट, दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स देन फोर्स द पार्टिकल्स एडजेसेंट टू देम टू वाइब्रेट। इन दिस वे वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर टिल इट रीचेज द ईयर। इसी तरह से ये हमेशा अपने और उसके नेबरिंग पार्टिकल्स में वाइब्रेशन पैदा करते रहते हैं, जिससे वो इन द एंड आपके कानों तक पहुंच पाता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ये थॉट है, कॉन्सेप्ट है, कैन साउंड ट्रेवल विदाउट ए मीडियम, कैन साउंड ट्रेवल विदाउट ए मीडियम, क्या साउंड जो है, ध्वनि है, बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि साउंड नीड्स टू ट्रेवल सम मीडियम, इट कैन बी मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं कि साउंड सही में जरूरत है क्या ट्रेवल करने के लिए। साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट, इट कांट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। ये तो साइंटिस्ट ने बता दिया कि साउंड को क्या चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, मीडियम चाहिए, और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। सो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको जानेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब लिया है हम लोगों ने, वैक्यूम इलेक्ट्रिक कनेक्शन किया है, एक स्विच लगाया है, एक कॉर्क है, एक बेल जार लिया है, और जिसमें एक बेल लगा दिया हम लोगों, ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है। जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे इसमें क्या होगा कि ये रिंग करना शुरू हो जाएगा, और नीचे से एक वैक्यूम पंप भी है जहां से क्या करेंगे हम लोग, आपको इसका जो एयर है धीरे 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 निकालते रहेंगे। तो अगर स्टार्टिंग में हम लोग इस बेल को बजाते हैं तो हम लोगों को ध्वनि जो है काफी तेजी से सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही इसमें से हम लोग एयर निकालने की कोशिश करते हैं या निकालते हैं तो इसका ध्वनि धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, और जैसे ही ये पूरी तरह से वैक्यूम हो जाएगा देन वी विल नॉट हियर एनी साउंड, हम लोगों को कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगा, जो प्रूफ करता है कि साउंड्स नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, साउंड जो है साउंड को मीडियम चाहिए होगा ट्रेवल करने के लिए। अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंडेंट और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Explain how sound is produced by your school bell. आप बताइए कि sound आपके school bell से कैसे produce होता है? When the school bell vibrates, it forces the adjacent particles in air to vibrate. This disturbance gives rise to a wave, and when the bell moves forwards, it pushes the air in front of it. Same concept है कि जैसे ही इसमें vibration होगा, ये अपने neighboring particle को vibrate करेगा, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, और ऐसे करते 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 एयर में
ये सब होगा और ये आपके कानों तक पहुंचेगा, है ना। सो जैसे ही बेल मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेज द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर्स नोन एज कंप्रेशन। जैसे ही ये आगे जाएगा वैसे ही ये कंप्रेशन रीजन पैदा करेगा। व्हेन द बेल मूव्स बैकवर्ड्स इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर नोन एज रेयरफैक्शन। एज द बेल कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इट प्रोड्यूसेज ए सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। दिस मेक्स द साउंड ऑफ ए बेल प्रोपेगेट थ्रू एयर, है ना। कि जैसे ही ये आगे जाएगा ये एयर में क्या करेगा, कंप्रेशन रीजन पैदा करेगा। जैसे ही बेल पीछे आएगा वैसे ही ये रेयरफैक्शन रीजन पैदा करेगा और ये कंटिन्यूअस होते रहेगा। वैसे करते 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 साउंड जो है आपके कानों तक पहुंचेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। हम लोग अभी देखे कि साउंड वेव्स को क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल वेव बोल रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स का क्या मतलब है, साउंड को हम लोग मैकेनिकल वेव्स क्यों बोल रहे हैं। साउंड वेव्स फोर्स द मीडियम पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, hence these waves are known as mechanical waves. Sound waves propagate through a medium because of the interaction of the particles present in that medium. इसलिए हम लोग mechanical wave इसको बोल रहे हैं क्योंकि it needs medium to travel. बिना medium के ये travel नहीं कर सकता है। ये अपने बगल वाले particles को vibrate करता है, वो अपने बगल वाले particles को vibrate करता है। इस प्रकार से sound जो है हमारे कानों तक पहुंचता है। And the next question is, suppose you and your friend are on the moon, will you be able to hear any sound produced by your friend? अगर समझिए, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त मून पर हैं, चंद्रमा पर हैं, तो क्या आप अपने दोस्त के बोले हुई आवाज को सुन पाएंगे? नहीं। क्यों भाई? Sound needs a medium to propagate. Sound को क्या चाहिए होता है? एक medium चाहिए होता है propagate करने के लिए, जो हम लोग देख ही रहे हैं। Since the moon is devoid of any atmosphere, you cannot hear any sound on the moon. Since चूंकि moon पे कोई भी atmosphere नहीं है, so वहाँ पे कोई भी medium नहीं है, so we will not be able to hear the sound of our friend. Okay, so we are going to close this chapter till here. We will discuss further in the next slide. Right. Thank you.